आज बड़े गंभीर मुद्दे पर ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससीएसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्यों कि जम्मू प्रोविंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है। 2018 से सिविल सेक्रेटरीट हायर एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर के सभी कॉलेजों को ये नोटिफिकेशन भेजा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जे आईएएस के अंदर भी इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, लेकिन कश्मीर के एंटायर कॉलेजों ने इसको इम्प्लीमेंट किया और आज तक 400-500 बच्चा वहां पर इस सब्जेक्ट में ट्रेंड हुआ है। ये एक मुबारक की बात है, लेकिन उसका काउंटर पार्ट जो जम्मू है, पूरा प्रोविंस किसी भी कॉलेज ने सिविल सेक्रेटरीट के हायर एजुकेशन की इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहां तक के क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू ने पिछले दिनों एक नोटिस निकाला है सभी सब्जेक्ट के लिए, उन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को छोड़ दिया। बच्चों की ये डिमांड्स थी कि उनकी वॉइस को रेज किया जाए, लिहाजा कल ही मैंने रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और एकेडमिक डीन दोनों से बात की है, दोनों को अप्राइज कराया है युवाओं की इस डिमांड को लेके, और मैंने उनसे निवेदन किया है, अपील की है कि वो अपनी नोटिफिकेशन को रीनोटिफाइड करें और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को पूरे कॉलेजों में इम्प्लीमेंट कराएं, जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स होना है उसके अंदर मौका दिया जाए यूथ को। 300 यूथ पढ़ा लिखा एमए एमफिल पीएचडी जो बड़े बड़े देश के कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो इंतजार कर रहे हैं। और अगर 2018 से ही इस सब्जेक्ट को जम्मू प्रोविंस में भी कश्मीर की तरह लागू किया जाता तो आज 400 से ज़्यादा बच्चे जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हुए होते। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस पर संज्ञान ले। हमने एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को।